राजस्थान बीजेपी के एक पोस्टर पर विवाद हो गया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया है। इस अभियान के पोस्टर में बीजेपी ने किसान का फोटो लगाकर यह नारा दिया है कि 19,000 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है। लेकिन पोस्टर में जिस किसान की फोटो लगी है वह अब बीजेपी पर भड़क गया है। पोस्टर में जिस किसान की फोटो लगी है वह जैसलमेर के रामदेवरा गांव में रहने वाले 70 साल के माधुराम जयपाल है। मनपूसित के वोट लागो जकर भाई मनपूस भाई कौन है भाई कौन के पूजी कौन है मन भाई कौन है कौन ले उठा तो थोड़ा फोटो यहाँ हैंग जगह लागू है कि भाई क्या जमीन को सरकार ने निलाम कर दिया है क्या कर दिया है मन भाई कौन उठा कूड़ी से हाँ कूड़ी है दूसरी बात है तो खेत में कहीं किसान रही काम करो काम करो भाई खुदी काम करो थाना कद ठा पड़ी हो कि मतलब यार पोस्टर लागू है यार मोर 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 पोस्टर है मैं कहीं ठा पड़ी हो मैंने कहीं ठा बोल कितना दिन हो गया थाना आज पांच सात दिन आज आठ नौ दिन का वो नहीं आयो आया तो इसे याद को नहीं आया हो तो याद को याद हो नहीं कह दिया हमें था कहीं थर अच्छा कहीं मांग मांग धरे सरकार ने कभी मारा मान सम्मान प्रतिष्ठा ठेस पहुंचे या था और कहीं कार्रवाई करने चाहे हम इच्छा कहीं हां फोन लगा दो का लगा मेरे जूठा कर दिया काम। माधुराम का कहना है कि बिना इजाजत उसके फोटो का इस्तेमाल किया है उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। वह 200 बीघा जमीन का मालिक है। अब किसान माधुराम ने बीजेपी पर मान हानि का केस करने की बातें भी कही है। किसान माधुराम ने बताया कि उनके गांव से एक युवक कुछ दिनों पहले जयपुर गया था। उसने शहर में कई जगहों पर पोस्टर देखा जिसमें उनकी फोटो थी। युवक ने फोटो गांव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। इस ग्रुप में किसान का बेटा भी जुड़ा था। इसके बाद कई दूसरे ग्रुप में यह फोटो शेयर हुई। लोगों ने पोखरण और फलौदी में लगे बैनर की फोटो शेयर की। इस तरह इस मामले का खुलासा हुआ। बीजेपी के पोस्टर में अपनी फोटो यूज होने पर माधुराम का कहना है, बेटे ने बताया तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि बैनर में जमीन नीलामी की बात थी लेकिन मेरी तो कोई जमीन ही नीलाम नहीं हुई। मेरे फोटो बिना वजह लगा दी, मुझसे पूछा भी नहीं। मेरा कोई कर्जा नहीं है, इस फोटो को हटाओ। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरी जमीन नीलाम होती या मेरे ऊपर कोई कर्जा होता तो सरकार कर्जा माफी करती या जमीन दबाएगी। मैं भाजपा वालों को नहीं जानता, मैंने कोई लोन भी नहीं लिया, मैंने केसीसी ले रखी है। कोई मुझसे कुछ मांग रहा है तो फोटो छापो, कोई तो सबूत होंगे जो साबित करे कि मेरी जमीन नीलाम हुई है। किसान माधुराम अपने सबसे छोटे बेटे जुक्ताराम के साथ में रहते हैं। जुक्ताराम का कहना है कि जब से यह बात सामने आई है मेरे पिताजी टेंशन में रहते हैं, मुझे बार बार पूछते हैं कि उस फोटो का क्या हुआ, हटा या फिर नहीं। मैं भाजपा वालों से निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी की फोटो हटाए, इससे हमारी बदनामी हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।